वाराणसी के चंदौली से पकड़े गए आईएसआई एजेंट राशिद ने पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राशिद से पूछताछ के दौरान 49 ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में थे, जिसमें राशिद का मौसेरा भाई शाहबेज से भी जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि राशिद ने जो सिम कार्ड 2 खरीदे थे उस पर पाकिस्तान से व्हाट्सएप एक्टिवेट कराने में मदद थी और मदद की जाती थी। वहीं पर उन नंबरों पर भारत में जासूसी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे। जिन 2 नंबरों पर आए व्हाट्सएप ओटीपी को पाकिस्तान में बैठी आईएसआई के अधिकारियों को बताया था। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 49 ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दी है राशिद ने, जो कि यहां पर बैठकर किस तरह से पूरा ग्रुप चला रहे हैं। आईएसआई एजेंट के तौर पर यहां पर उनके संपर्क में आईएसआई के और यहां पर एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि 49 ऐसे भारतीयों का खुलासा और किया गया है राशिद के द्वारा, तो पूछताछ का अभी क्या ये दौर चलता रहेगा और कितने बड़े और खुलासे समझा जाए? देखिए, राशिद से पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं, जिनमें ये भी जानकारी शामिल है कि करीब 49 ऐसे भारतीय हैं जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान के जो आईएसआई हैंडलर हैं आसिम और अहमद, उनसे वो जुड़े हुए हैं और लगातार जो सूचनाएं हैं वो प्रेषित कर रहे हैं। हालांकि अभी ये लोग कौन है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है, क्योंकि एक ग्रुप बनाया गया है आईएसआई हैंडलर की तरफ से, जिनमें 75 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से 49 लोग ऐसे हैं जो भारतीय हैं और राशिद ने पूछताछ में ये बात बताई है। यहाँ तक कि जो राशिद का मौसी का लड़का है उसने भी वो भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो राशिद ने पहले दिन की पूछताछ में यूपी एटीएस को बताया था, उसने बताया था कि उसकी मौसी के लड़के ने ही आईएसआई के हैंडलरों से उसकी मुलाकात कराई थी। आसिम और अहमद से उसकी मुलाकात कराची में हुई थी और उसके बाद उसने इस तरह का जो गैंग है वो ज्वाइन किया था। दूसरी चीज जो राशिद है उसने ये बताया है कि जो 2 सिम लिए गए थे उनमें से एक व्यक्ति बैंगलोर का है। हालांकि अभी तक ये जो बात निकल के आई थी कि मोहल्ले के ही 2 लड़कों से जो है सिम लेकर उसने बकायदा जो है एक्टिवेट किए थे नंबर, उसके बाद उनका जो ओटीपी है वो पाकिस्तान भेज दिया था जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किया जा रहा था। लेकिन अब एक बात और निकल के आई है कि चूंकि सिम एक बार टूट गया था तो ऐसे में जो लड़का मोहल्ले में काम करता था उसको बैंगलोर ले गए थे, वहाँ से बकायदा जो सिम है उसको दोबारा से एक्टिवेट किया गया था। इसके साथ साथ राशिद ने एक बहुत अहम जानकारी दी है, वो ये दी है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कुछ और लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही थी। हालांकि राशिद ने इससे पहले बताया था कि हनी ट्रैप का जाल फैलाया जा रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने तमाम जो संबंध हैं वो भी पाकिस्तान ने बताए थे, 2 बार वो पाकिस्तान हो आया था ये भी बताया था। हालांकि इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के चलते चूंकि चैट हुए थे उनको रिकवर करने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है, क्योंकि डबल सिक्योरिटी लगा रखी थी उस व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसी वजह से वो चैट रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। जो दूसरा नंबर है उस पर भी यही कोशिश लगातार जारी है। एक नंबर से आसिम जो है वो लोगों को जो है निर्देश देता था, दूसरे नंबर से अहमद लोगों को निर्देश देता था, और ये दोनों ही जो आईएसआई हैंडलर्स हैं ये टॉप क्लास के हैंडलर्स माने जाते हैं और लगातार ये लोग तमाम जो यहाँ की जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो मंगवाते थे यहाँ के लोगों से। अब 49 लोग कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ के हैं, इसके बारे में यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल यूपी एटीएस की जो रिमांड है राशिद की वो खत्म हो गई है, राशिद को वापस जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो 3 दिन की रिमांड के दौरान राशिद ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके आधार पर यूपी एटीएस आगे की छानबीन में लग गई है। यूपी एटीएस तो कुछ ऐसी भी जानकारी हासिल हुई है जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारी हो सकती है। कल हालांकि बदायूं का एक जो टेलर है उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो पाकिस्तान में बात करता था, लेकिन पूछताछ के बाद कोई ऐसी चीजें नहीं निकली जो उसको जो है इस पूरे मामले में लिप्त पाई जाती हो, तो इसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी जो 49 लोग बताए जा रहे हैं कि 49 लोग भारतीय हैं उनकी तलाश में अब यूपी एटीएस जुट गई है और जल्द ही हो सकता है कि एक बड़ा खुलासा यूपी एटीएस की तरफ से किया जाए। विशाल, एक तो बात तय है इसमें कि भारतीय जो है कई भारतीयों का ब्रेन वॉश किया गया है, उनको इसमें लिप्त किया जा रहा है और एक बड़ा रैकेट यहां पर चल रहा है। ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा
जो हमारी इंटेलिजेंस ग्रुप हैं वो सक्रिय हो जाएं, एक्टिव हो जाएं? क्या जो एक नंबर बताया गया, इसका आपने भी जिक्र किया कि जितने भी व्हाट्सएप चैट हैं उसको रिकवर करने में जुटे हुए हैं, वो रिकवर नहीं हो पाए, क्या एक नंबर की रिकवरी हो चुकी है? क्योंकि दो नंबर बताए जा रहे थे, क्योंकि उसके थ्रू ही जो है व्हाट्सएप नंबर के जरिए ही जो जितनी भी चैटिंग है वो रिकवर करने की कोशिश हो रही होगी। इसके अलावा जो 49 भारतीय हैं, क्या उनकी पहचान के लिए अब कोशिश में जुट गई है एटीएस? देखिए, एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये मालूम चली है, रशीद ने पूछताछ में बताया था कि जब उसने दोनों सिम लिए थे उसके बाद उसका ओटीपी पाकिस्तान में देखकर जो आईएसआई हैंडलर्स है आसिम, उनको देखकर उसने वो सिम तोड़ दिए थे। डीएक्टिवेट तौर पर कर सकते हैं कि फ़ोन अगर कोई करे तो उस फ़ोन पर ट्रेस ना हो, सिर्फ व्हाट्सअप जो है मैसेजेस जा सके उस नंबर से। तो इस वजह से शायद रिकवरी में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बीच में एक बार ये हुआ था कि फ़ोन नंबर एक काम नहीं कर रहा था, जिसको लेकर दोबारा से बैंगलोर उसको बुलाया गया था और बैंगलोर में उसने फिर से वो नंबर चालू किया गया, उसको जो है उसी सेम आईडी पर जो है नंबर चालू किया गया। तो अब जो लिंक्स है वो तलाशने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है। इसके साथ साथ यूपी एटीएस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि दो अलग अलग नंबर थे, नंबर बिल्कुल पता चल चुके हैं, नंबर बंद भी हो गए हैं, लेकिन उस पर जो व्हाट्सएप चैट थी मेरा भाई बताया जा रहा है, क्या उसको गिरफ्तार अभी किया गया है या गिरफ्तारी होगी? नहीं, देखिए, चूंकि वो मुसेरा भाई जो है वो पाकिस्तान में रहता है और उसी ने ही जो इससे रशीद को जो है आसिम से और अहमद से मिलवाया था, तो ऐसे में उसकी उसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश किया है कि उसका क्या कुछ और भी लिंक है यहाँ पर, क्योंकि वो अगर वो आईएसआई के लिए काम करता था, उसी ने आईएसआई हैंडलर से मिलवाया था, तो हो सकता है कि रशीद के जरिए कुछ और लोगों को भी मुसेरा भाई भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में रहकर ही किस तरह से पहले अपने भाई का ब्रेन वॉश किया है, भाई को इसमें जोड़ा है कि वो भारत में जाकर जो है लोगों का ब्रेन वॉश करे, लोगों को बरगलाए इसके लिए।